हेलो एवरीवन, आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 37 डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज 23.6 डिस्कस कर रहे थे। और यह जो लेक्चर हम लोग के लिए जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद जो है हम लोग शुरू करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसलिए पहले भी बोले हुए अभी भी बोलेंगे कि यह जो एक्सरसाइज है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष 6 मार्क्स का रहता है। इससे या तो फिर आगे जो पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे कभी कभी जो दोनों पूछ देता है लेकिन और में पूछता है। खैर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। और दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू पाई बाई फोर, कब है जब एक्स इज इक्वल टू वन। चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। इस टर्म को हम लोग क्या करते हैं, यदि राइट साइड से देखे जाए क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स माइनस वाई डी एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स डी वाई माइनस, यदि हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर दे देखा था वाई हो जाएगा प्लस में वाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स डी एक्स। देयरफॉर यदि हम लोग डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू निकालें तो हो जाएगा वाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब ये ध्यान से देखिए जो है इक्वेशन नंबर वन के जो राइट हैंड साइड में है उसको हम लोग चेक करेंगे कि वह फंक्शन मेरा होमोजीनियस है या नहीं। यदि होमोजीनियस होगा तो होमोजीनियस फंक्शन का जो जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते थे सॉल्व करेंगे। देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स वाई दिया हुआ है वाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। क्या पुट करेंगे, एक्स के जगह पे के एक्स एंड वाई के जगह पे के वाई, तो एफ के एक्स के वाई इज इक्वल टू यहाँ से के वाई माइनस के एक्स साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ पे हो जाएगा के एक्स, यहाँ भी के एक्स के छूट गया। अब ध्यान दीजिए, देखिए इस के से एक के कैंसिल, क्या बच गया बच्चों के वाई माइनस के एक्स साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय के एक्स। देखिए दोनों में यहाँ पे के कॉमन कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय के एक्स, के विल कैंसिल, तो बच क्या गया y माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब ये मेरा क्या दिया हुआ है, देखिए f ऑफ एक्स वाई, इसको लिख सकते हैं f एक्स वाई। देयरफॉर क्या हो गया, f के एक्स के वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। अब ये जो कंडीशन था कोई भी फंक्शन को होमोजीनियस को बताने के लिए यह रिक्वायर्ड कंडीशन था। इसके अलावा भी हम लोग दो कंडीशन और बोले हुए थे, उन दोनों में से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि इससे हम लोग क्या करें, एक्स कॉमन ले लें, यदि इससे हम लोग एक्स कॉमन ले लेंगे बच्चों, एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई बाई एक्स, यहाँ से एक्स तो ऑलरेडी है हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स एक्स विल कैंसल, बच क्या गया यहाँ से तो वाई बाई एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स इतना ही बचा सकते। देखिए ये भी वाई बाई एक्स का फंक्शन है, ये भी वाई बाई एक्स का फंक्शन है, इसका मतलब बोल सकते हैं टोटल जो फंक्शन है किसका फंक्शन है, वाई बाई एक्स का। इसको लिख सकते हैं जी ऑफ वाई बाई एक्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, एक्स का पावर जीरो भी लिख सकते हैं। यही तो कंडीशन था किसके लिए, तो जो है होमोजेनियस के लिए। उतना आप तो दिमाग लगाना है, सिंपली जो है एक्स के जहाँ पर के एक्स पुट कीजिए, वाई के जहाँ पे के वाई पुट कीजिए, यदि ये रिलेशन जो है आ जाएगा, बताओ दिया गया फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, होमोजेनियस फंक्शन होगा। अब
होमोजेनियस फंक्शन से रिलेटेड जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए ये मेरा पता चल गया कि कैसा फंक्शन हो गया, होमोजेनियस डिफरेंशियल मतलब होमोजेनियस फंक्शन है, तो लिख सकते हैं दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, यदि इसको हम डिफरेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x तब ये मेरा क्या होगा, dy by dx इज इक्वल टू v plus x dv by dx। अब इसका वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे तो इक्वेशन नंबर वन में, तो हो जाएगा नाउ इक्वेशन वन बिकम्स, आप तो लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इन इक्वेशन वन, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई का वैल्यू वी एक्स, हो जाएगा वी एक्स माइनस एक्स साइन स्क्वायर, ये जो है वाई जहाँ पर क्या पुट कर देंगे वी एक्स, ये हो जाएगा वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स ओवरऑल डिवाइडेड बाय x। देखिए यहाँ से क्या कट रहा है, वह x x विल कैंसल, क्या बच गया v प्लस x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा वी एक्स माइनस एक्स साइन स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय x, तो जाएगा v प्लस x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए दोनों में ऊपर में क्या कॉमन है x कॉमन, तो जगह v माइनस साइन स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय x, x x विल कैंसल, अब क्या बच गया v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू v माइनस साइन स्क्वायर वी, इस v वाले टर्म को यदि हम राइट साइड ले जाए तो हो जाएगा x dv बाय dx इज इक्वल टू v माइनस साइन स्क्वायर v माइनस v, वी वी विल कैंसल, अब क्या बच गया बच्चों यहाँ से x dv by dx is equal to minus sin square v। अब हमको क्या करना है, सिर्फ हम लोग को वहाँ से वेरिएबल को सेपरेट करेंगे जिससे क्या हो जाएगा, उसके बाद हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे, यदि उसको हम लोग क्या कर दें वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए ये मेरा हो जाएगा मतलब v वाला टर्म dv की तरफ हो जाएगा dv डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस dx बाय x, ए sin स्क्वायर ऊपर जाएगा क्या बचेगा, हो जाएगा यह cosec स्क्वायर v dv इज इक्वल टू माइनस dx बाय x। देखिए यहाँ से क्या हो चुका है, वेरिएबल सेपरेट हो गया है, सिंपली क्या कर देंगे उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो हो जाएगा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, हो जाएगा कोसेक स्क्वायर बी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाय एक्स ये आएगा। अब बताइए कि कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर का आपको याद होगा माइनस कॉट बी होगा इज इक्वल टू वन बाय एक्स का क्या हो जाएगा लॉग एक्स, वह कॉन्स्टेंट हो मान लेते हैं माइनस सी, क्यों यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, वहाँ से कॉमन लेने में हम लोग को आसानी होगा, माइनस हो जाएगा कॉट बी, यहाँ से माइनस कॉमन यदि ले लें तो हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी, माइनस माइनस विद कैंसल, क्या बच गया बच्चों कॉट बी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अभी मेरा आया है सोल्यूशन इसमें वी के टर्म में, सिर्फ क्या करेंगे इस वी का वैल्यू वहाँ पर पुट कर देंगे, क्या पुट किए थे पीछे वाई इज इक्वल टू वी एक्स लिए थे, तो वी का वैल्यू कितना हो जाएगा वाई बाय एक्स, इस वी का वैल्यू सिर्फ यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद जो दिया गया कंडीशन है उसका यूज करते हुए हम उस कॉन्स्टेंट का वैल्यू निकाल करके उसमें हम लोग क्या कर देंगे पुट कर देंगे, इससे मेरा सोल्यूशन आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा कॉट
वाई बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू। ठीक, अब देखिए यहाँ कंडीशन दिया हुआ है, अल्सो गिवन दैट क्या दिया हुआ, वाई इज इक्वल टू पाई बाय फोर कब है, वेन एक्स इज इक्वल टू वन। अब वाई का वैल्यू पाई बाय फोर पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू वन पुट करेंगे, तो फ्रॉम टू क्या हो जाएगा, कॉट वाई का वैल्यू हो जाएगा पाई बाय फोर डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है वन, इक्वल टू हो जाएगा लॉग वन प्लस सी। अब ये मेरा हो जाएगा कॉट पाई बाय फोर इज इक्वल टू लॉग वन का वैल्यू क्या होता है जीरो, हो जाएगा जीरो प्लस सी। अब कॉट पाई बाय फोर तो कॉट 45 डिग्री और कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है वन इज इक्वल टू सी, देयरफॉर सी इज इक्वल टू कितना हो गया वन। इस सी का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, तो इस इक्वेशन नंबर टू में से उसको पुट कर देंगे, जिससे मेरा क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए इतने पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of c in equation number 2, तो क्या हो जाएगा, therefore ये हो जाएगा cot y by x is equal to log of x plus इस constant c का value कितना हो गया 1, मतलब ये मेरा क्या हो गया, इस दिया गया differential equation का मेरा क्या हो गया, solution हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 33, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग नए जो है एक्सरसाइज में हम लोग मिलेंगे, वह जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नेक्स्ट वीडियो में है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, 33 डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिया हुआ क्या है वाई बराबर जीरो कब, वेन एक्स इज इक्वल टू वन। सॉल्यूशन करते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस कॉसेक वाई बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग राइट साइड ले जाए, देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस रहेगा प्लस, ये हो जाएगा कॉसेक वाई बाई एक्स, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब जो है इसको चेक करते हैं, पहले ये फंक्शन मेरा होमोजीनियस है या नहीं। देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस कॉसेक वाई बाई एक्स, ये तो सिंपली देखिए ये भी वाई बाई एक्स का फंक्शन है, ये भी वाई बाई एक्स का फंक्शन है, इसको लिख सकते हैं जी ऑफ वाई बाई एक्स, यहाँ कुछ भी नहीं होता, एक्स का पावर जीरो, ये मेरा किस फॉर्म में आ गया, तो x रेज टू दी पावर n g ऑफ y बाई एक्स के फॉर्म में। तो इससे ही पता चल गया ये फंक्शन मेरा कैसा है, तो होमोजीनियस फंक्शन है। या तो फिर हम लोग क्या प्रूव कर दें, x के जगह पर kx एक्स एंड वाई जगह पर ky, वाई तो जगह ky वाई डिवाइडेड बाई के एक्स माइनस कॉसेक ky वाई के एक्स, के विल कैंसल, के विल कैंसल, क्या बच गया y बाई एक्स माइनस कॉसेक वाई बाई एक्स, ये मेरा क्या है एफ एक्स वाई, देयरफॉर क्या आ गया एफ के एक्स के वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। अब ये कंडीशन आपको देखते हुए समझ आ गया होगा कि यही कंडीशन किसके लिए होता है, तो दिया गया फंक्शन को पता करने के लिए वह होमोजीनियस है, यानी ये इक्वल आ गया, मतलब ये फंक्शन मेरा क्या है होमोजीनियस फंक्शन है। अब होमोजीनियस फंक्शन से रिलेटेड जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको लिखेंगे दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तब क्या बच जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब इसका वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर वन में, तो हो जाएगा ना इक्वेशन वन बिकम्स
तो आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इजिकल टू, इस y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, वी एक्स, तो हो जाएगा वी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस कॉसेक, इस y की जगह पर फिर से हम क्या पुट कर देंगे, वी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब यदि देखिए इसमें कुछ कुछ कट रहा है, x x विल कैंसिल, x x विल कैंसिल, क्या बच गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस क्या हो गया कोसेक भी, इस भी को हम लोग उधर राइट साइड यदि ले जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस कोसेक भी माइनस भी, ये भी विल कैंसल, ये हो जाएगा एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक भी माइनस कोसेक भी। अब सिर्फ क्या करेंगे, हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे, मतलब वी वाले टर्म को डी वी के तरफ और एक्स वाले टर्म को डी एक्स के तरफ, क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी वी डिवाइडेड बाय कोसेक भी इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स बाय एक्स, एक कोसेक जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा साइन भी, वन बाय कोसेक का क्या था, वन बाय कोसेक एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, हो जाएगा साइन भी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाय एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गया है, सिर्फ जो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे जिससे हम लोग का क्या हो जाएगा सॉल्यूशन मिल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं फिर जो इंटीग्रेट कर देते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, यहाँ साइन बी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स। अब बताइए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, ये हो जाएगा माइनस कॉस बी इज इक्वल टू वन बाय एक्स का लॉग एक्स, प्लस कॉन्स्टेंट को मान लेते हैं माइनस सी, क्योंकि इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, अब माइनस कॉमन लेंगे क्या कट जाएगा इसलिए माइनस ले लीजिए, ये हो जाएगा माइनस कॉस बी इज इक्वल टू माइनस यदि कॉमन ले लें तो हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी, माइनस माइनस विल कैंसिल, ये क्या हो जाएगा कॉस बी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, ये मेरा भी के टर्म में सॉल्यूशन आया। अभी हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ एक्स वाई में, हम लोग पीछे पूछ किए थे वाई इज इक्वल टू वी एक्स, वहाँ से वी का वैल्यू क्या होगा वाई बाय एक्स, तो इस भी का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे, यहाँ हो जाएगा वाई बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू। अब दिया गया जो कंडीशन था उसका हम लोग यूज करके क्या करेंगे, इस कांस्टेंट जो सी है उसका वैल्यू निकालेंगे। अब सी का वैल्यू निकाल करके इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, देखिए क्या दिया हुआ, अल्सो गिवन दैट क्या दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन, हो जाएगा फ्रॉम टू क्या हो जाएगा कॉस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो डिवाइडेड बाय एक्स का वैल्यू वन इक्वल टू हो जाएगा लॉग वन प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा कॉस जीरो इज इक्वल टू लॉग वन का वैल्यू जीरो प्लस सी, और कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है वन, वन इज इक्वल टू सी, देयरफॉर सी का वैल्यू कितना आ गया वन, और इस सी का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर टू में, तो क्या लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर टू, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन टू बिकम्स क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा कॉस वाई बाय एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया वन, मतलब ये जो मेरा आ गया कॉस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, ये मेरा क्या
इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड क्या होगा, सॉल्यूशन आ गया। तो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो लास्ट दो क्वेश्चन था उसका। इसके साथ ही हम लोग का जो एक्सरसाइज जो था वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, और इसके साथ जो है आप लोग जो है एग्जांपल में बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है उसको भी सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी में दिया गया है उसको सॉल्व कीजिए, जो नहीं बनेगा उसके उसको फिर से सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।